पति पत्नी को, घर के मुखिया को, माँ बाप को, उस दिशा पर दक्षिण पश्चिम की ओर कमरा हो। जब घर नया बनाओ थोड़ा वास्तु का देख लो, क्योंकि वास्तु भी प्रभावी होता है। यदि सब वास्तु के हिसाब से बढ़िया घर है, बढ़िया व्यवस्थाएं हैं, तो आप जल्दी से तरक्की करेंगे। आपके जीवन में वास्तु आपको तरक्की कराएगी, आपका उत्थान होगा, आपका यश बढ़ेगा, आपकी कीर्ति बढ़ेगी। नया घर बनाओ थोड़ा सा, जो वास्तु का ज्ञान रखते हैं उन्हें थोड़ा सा चेक करा लो। नया घर बनाओ तो ध्यान थोड़ा थोड़ा रख लेना चाहिए, अच्छी बात होती है। जब भी नया घर बनाओ तो आपके घर में जो वॉशरूम है, नहाने का स्थान है, वो कहां होना चाहिए? हमेशा वो होनी चाहिए पश्चिम की दीवार में, पश्चिम और दक्षिण की तरफ हल्का। पश्चिम की दीवार सबसे बेस्ट, पश्चिम की तरफ ही वॉशरूम होने चाहिए। प्रत्येक कमरे का भी वास्तु होता है, पॉसिबल हो तो पश्चिम में हो, ईशान कोण पूर्व उत्तर में ना हो वॉशरूम। हमारे यहां शास्त्रों में पूरा वास्तु है, भगवान राम का जो दशरथ जी ने महल बनवाया पूरा वास्तु से था। पहले के समय पर बाहर जलाशय होता था, पानी ईशान कोण में पानी होना ठीक होता है। घर में बोरिंग कराओ तो बोरिंग भी ईशान कोण में ही होना चाहिए। भगवान से जुड़ा हर काम ईशान कोण में, लैट बात पश्चिम की तरफ, रसोई आग्नेय कोण, आग्नेय दक्षिण पूर्व का कोना, दक्षिण और पूर्व का कोना क्या होता है? आग्नेय कोण। आग्नेय मतलब स्त्रियां जब भोजन बनाए तो आप बताओ आपका मुंह किस दिशा में होना चाहिए भोजन बनाते समय? किस दिशा में? पूर्व दिशा में। महिलाओं के मुखमंडल पर सूर्य भगवान की किरण पड़े, भोजन बनाते समय आपके भोजन पर सूर्य का प्रकाश पड़ना चाहिए। कितना गहरा साइंस है, मतलब जब भोजन बनाओ तो आपके भोजन पर, आपकी दाल पर सूर्य का प्रकाश पड़ना चाहिए, क्योंकि सूर्य की प्रकाश में विटामिन डी होता है। वो प्रकाश युक्त जो दाल है, सब्जी है, वो ज्यादा कारगर है शरीर के लिए। आजकल के भोजन में सूर्य का प्रकाश पड़ता ही नहीं है। पहले खुले आंगन में भोजन बनाने की परंपरा थी हमारे भारत में, हाँ या ना? खुले में भोजन, रोटी में भी प्रकाश पड़ता, दाल में भी, चावल में भी, विधान तो यही है, सही तो यही है। अब आजकल तो देखो कमरे में प्रकाश कहाँ पहुंच रहा है, मल्टियों में लोग रह रहे हैं, प्रकाश कहाँ पहुंच, व्यवस्थाएं नहीं है, मजबूरी भी है, समझ रहे हैं इन चीजों को। लेकिन जो सही है वो तो ये है कि जिस भोजन में सूर्य का प्रकाश पड़ेगा वो भोजन ज्यादा हेल्दी होगा, ज्यादा आपके लिए सुपाच्य होगा, ज्यादा आपको शक्ति वर्धन करेगा, शक्ति आपको ज्यादा देगा। तो हमारी जो नियमावली है घर बनाने की, भोजन बनाने की, पूरी सुव्यवस्थित है, आज से नहीं अनादि से। वास्तविक देवता होते हैं जिनका पांव होता है ईशान में और सिर जाता है दक्षिण पश्चिम के कोने में। सिर होता है ईशान में, पांव जाते हैं दक्षिण पश्चिम के कोने में। वास्तु देवता के जो सिर है वो ईशान में, ईशान में सिर, दक्षिण पश्चिम में उसके पांव विराजे होते हैं। भगवान का जन्म हुआ तो भगवान
को लेकर वसुदेव जी चले, सारे ब्रजमंडल में उत्सव मनाया गया, सारे ब्रजमंडल में उत्सव मनाया गया और ब्रजमंडल में जय जयकार चल रही थी, उत्सव चल रहा था। भगवान शंकर आए और शंकर जी ने प्रेम पूर्वक दर्शन किया भगवान का, मैया मुकुलाला को दर्शन कराए दे। मैया बोली, बाबा आपकी शकल बड़ी डरावनी है, कैसे दर्शन कराऊं। मैया, हमारी शकल तो जैसी है, लाला को एक बार दर्शन कराए दे। अब देखिए, भगवान कृष्ण को देखने शिवलोक से शंकर जी आए, देवलोक से इंद्र आए, ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी आए और ना जाने कितने देवी देवता आए, ऋषि गण आए, महर्षि गण आए, सबने प्रभु का दर्शन किया, अपने अपने तरीके से सब प्रभु का आशीर्वाद लेकर गए। आज भगवान किस बाल रूप का दर्शन करने के लिए आए हैं। अब अभी राम जी आ गए, रामलला आ गए अयोध्या में, तो रामलला तो आ गए, उनका दर्शन करने देवता भी आए, सबने दर्शन किया। अब हमारे कृष्ण लला की बारी है कि जिस हमारे मंदिर को तोड़ करके, वहां पर मंदिर तोड़ करके और मंदिर हटा करके वहां कुछ और निर्माण करा दिया गया, अब फिर से हमारे कृष्ण लला जहां थे, जहां उनका जन्म था, माता देवकी ने भगवान कृष्ण को जहां जन्म दिया, वो जगह आज भी हिंदुओं के कब्जे में नहीं है। मुगलों ने उस मंदिर को तोड़ दिया था और वहां पर जैसे रामलला का मंदिर तोड़ करके वहां मस्जिद बना दी थी, ऐसे भगवान श्री कृष्ण का भी मंदिर तोड़ करके वहां भगवान की जगह हथियाली। अब हमारे रामलला आ गए हैं तो कृष्ण लला भी आने चाहिए। जो हमारे स्तंभ हैं प्रभु राम और प्रभु कृष्ण, राम कृष्ण, ये दोनों सनातन संस्कृति के धरोहर हैं, साक्षात भगवान हैं, जिनकी हम सब पूजा करते हैं। तो हम सभी को चाहिए कि ये स्थान पुनः वापस हो और यहाँ दिव्य रामलला के जैसा दिव्य कृष्ण जी का मंदिर बने, कृष्ण लला का, और प्रभु फिर प्रतिष्ठित हो, दिव्य दरबार हो।